नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद सिंह है और आप देख रहे हैं विनोद टेक मोबाइल चैनल। दोस्तों, आज मेरे पास एक सैमसंग का सेट आया हुआ है जो सैमसंग M23 5G है, और इसमें प्रॉब्लम जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और एक बार जो है हम सिम डाल के भी दिखाएंगे, और इसमें जो है सिम डालने के बाद यहाँ पर हाफ फ्लाइट मोड दिखाता है, जो फ्लाइट मोड का सिंबल होता है उस पर हल्का सा जो है ये गाढ़ा दिखाता है। तो इसकी वजह से इसमें इसको बोला जाता है हाफ फ्लाइट मोड, थोड़ा सा डार्क दिखाएगा। अभी मैं सिम डाल करके इसमें आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि इसमें नेटवर्क भी नहीं आ रहा और हाफ फ्लाइट मोड का जो है सिंबल आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है ये देखेंगे और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जो दुकानदार भाई ने दिया है इस पर बोला, उसने काम उम किया है और ये शायद वाटर डैमेज सेट था, तो इस पर वो क्लीनिंग व्लिंग सब किया और हीट किया है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ है। इसको हमने खोल के रखा हुआ है स्क्रू, क्योंकि वीडियो में लेट हो जाता है खोलने में। तो अभी देखिए मैं जो है सिम लगा दिया हूँ, एक बार जो है हम यहाँ पे जो है तो देख सकते हैं, इसका पासवर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो ये देख सकते हैं जो है हाफ फ्लाइट मोड का जो है सिंबल इस पर आ रहा है, जो कि इसके वजह से नेटवर्क नहीं आएगा और सर्च भी नहीं करेगा। और ये हाफ फ्लाइट मोड आता क्यों है, ये जो है हमारा जो RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन होती है वो कहीं से मिस हो जाने की वजह से, या तो सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वो IC को RFFE IC को, तब भी ये जो है ये जो है सिंबल आ जाता है और इसमें जो है नेटवर्क काम नहीं करता है। तो हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। तो एक बार सेट को जो है हम ओपन करते हैं और ओपन करके इसमें देखेंगे, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि जो दुकानदार भाई ने दिया उसने बोला कि वाटर डैमेज सेट था ये, और उसने जो है जो भी हो सका वो काम किया, लेकिन जो है सक्सेस नहीं हुआ। तो हम कोशिश करेंगे इसको बनाने के लिए, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए शेयर जो है ओपन हो चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो है पेस्ट लगा करके हीट किया गया है और ये जो है फिर भी ये सही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कभी भी ये जो हाफ फ्लाइट मोड का अगर सिंबल जो आ रहा है, तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम अगर आए आपके पास, तो सबसे पहले जो चेक करना चाहिए आपको, आपको ये देखना चाहिए कि वाटर डैमेज तो नहीं है सेट। और दूसरा नंबर जो है ये मेरा यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि एक बोर्ड में IC लगी होती है, ये देखिए ये जो है IC है, जो यहाँ से दो डाटा की लाइन होती है जो CPU को जाता है, और एक सप्लाई के लिए, एक IC ये है और एक IC इधर है। तो ये IC को हमको देखना होता है, और फिर ऐसे ही IC जो है ऊपर बोर्ड में भी होता है, ऊपर बोर्ड वाले में मेन में, तो उसको भी हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे एक बार जो हम बैटरी निकाल के जो है यहाँ पे आप लोगों को चेक करा देते हैं हम। इसमें देखिए यहाँ पर जो है दो पिन जो है निकला होता है, दो पिन पे उस पर हमको रीडिंग चेक कर लेना होता है, दोनों पे जो है रीडिंग लगभग मान के चलिए 400 से 800 के अंदर ही आएगा रीडिंग, और दोनों पे भी लगभग में सेमी रीडिंग आता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो देख सकते हैं एक पर 400 एक पर 300 कुछ आ रहा था, तो ये मतलब CPU तक कनेक्ट है और सही है। तो यहाँ पर भी होता है वैसे ही लाइन, इधर से तो चेक करना इसको संभव नहीं है, लगता है उस साइड में इसका पिन है,
फिर भी यहाँ से हम चेक, यहाँ से इस वाले पिन पे हम चेक कर पा रहे हैं। देखिए 400 रीडिंग है, एक मिनट मैं मीटर नहीं दिखाया था, सॉरी। तो देख सकते हैं इस वाले पिन पे 400 आ रहा रीडिंग, और एक पिन इधर है इस पे भी 400 आ रहा रीडिंग, और इस पे भी बोल रहे थे तो इस पे भी देखिए, इस पे भी एक पे 400 आ रहा है और एक पर जो है 402 आ रहा है। मतलब ये तो रीडिंग सही है, और ये पिन जो होता है ये सप्लाई के लिए होता है, तो इस पे भी ये सप्लाई जो है आना चाहिए। इस पे भी देखिए रीडिंग कम आ रहा है, चूँकि कम से कम 250 के ऊपर रीडिंग आना चाहिए। तो एक बार जो है हम यही चीज़ जो है हम ऊपर भी चेक करेंगे। अब ऊपर में देखिए IC में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रॉब्लम के लिए ये ज़्यादातर ज़िम्मेदार होता है, ये जो ICयां होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक IC लगा हुआ है, और यहाँ पे भी मैं आपको रीडिंग चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं ये 380 एक पे आ रहा है, और एक पे जो है 382। अब वही चीज़ जो है यहाँ पे है, इस पे भी 380 आ रहा है और 383। रीडिंग तो सही है। अब एक बार जो हम चालू करके वोल्टेज भी चेक कर ले रहे हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है इस पे। ये वीडियो पूरा देखिएगा, 100% आप जो है इस फॉल्ट को बना सकते हैं और छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम एक बार जो है सेट ऑन हो गया है और सिम लगा लेते हैं। तो देखिए सेट ऑन हो चुका है, और अभी देखिए हाफ फ्लाइट मोड का सिंबल जो दिखा रहा है। अब जो है हम नीचे जो है हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जो है 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आनी चाहिए। तो देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज की, एक मिनट, देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, और अब इधर वाले पे भी हम चेक कर लेंगे। और इस पे भी देख रहे हैं 1.8 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है। अब जो है ऊपर भी जो IC है उस पर भी हम चेक करा देते हैं आपको कि 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, और देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, और दूसरी IC जो है यहाँ पे है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है। मतलब कि सारा लाइन ओके है, फिर भी जो है यहाँ पर जो है हाफ फ्लाइट मोड का सिम्बल आ रहा है। अब इसमें आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें देखिए इस IC के अंदर जो है वाटर डैमेज हुआ है। ये जो एक IC है, आप लोगों को मैं बारीकी से दिखाना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास HD कैमरा तो है नहीं, थोड़ा सा दिखाने में भी दिक्कत होती है। ये वाला IC जो है और इसका 1.8 वोल्टेज का लाइन जो है, इसके अंदर जो है वाटर डैमेज हुआ है, और ये पिन जो है डिसकनेक्ट हो गया है। इसके अंदर वाटर डैमेज की वजह से जो है ये पिन जो है डिसकनेक्ट हो गया है। अब जो हम क्या करेंगे, इस IC को निकालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जो है वाटर डैमेज की वजह से ये जो है पिन जो है थोड़ा सा ये यहाँ पर ड्राई हो गया है। अब इस IC को हम निकालेंगे और इसको जो है फिर से क्लीन करके और सभी
पिन जो है रिसोल्ड करके फिर से हम इसको लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो चलिए जो है इस आईसी को निकाल के एक बार जो है हम इस पे सही करके उसके बाद जो है रिसोल्ड करके फिर से लगा देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है, नेटवर्क आता है या नहीं आता है। और आप लोग हमें जो है सपोर्ट करते रहिए ताकि जो है हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। और आप लोगों को अच्छा से अच्छा फॉल्ट लेकर के आएंगे और बारीक जितना हो सकेगा हमसे उतना अच्छा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग भी सपोर्ट करें। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हमारे हैं जो कि वीडियो बनाते हैं तो जो काम होता छुपा लेते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, जो भी मुझे दिखाना रहता मैं वो जो भी करता हूँ वो भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा कैमरा की प्रॉब्लम है इसमें क्योंकि जो है देख सकते हैं ये दो जो पिन है यहाँ पर जो है वाटर डैमेज की वजह से जो है ये पिन देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर जंक लग गया है और कार्बन आ गया, इसके वजह से जो है ये सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा था। अब जो है इसको हम रिसोल्ड करके फिर जो है आईसी को लगाएंगे। कभी भी आपका हाफ फ्लाइट मोड का फॉल्ट जो है तो ये जो आईसी लगी होती है छोटी छोटी, सबसे पहले जो है इन्हीं आईसीओ को आप बारीकी से देखें, हो सकता है आपका काम हो जाएगा। या तो इस आईसी को सप्लाई नहीं मिलता होगा या तो ये आईसी का डाटा लाइन मिसिंग हो जाता है या तो फिर वाटर डैमेज रहता है अक्सर करके, तो ये वाटर डैमेज की वजह से ही ये फॉल्ट आता है। जो हाफ फ्लाइट मोड का फॉल्ट होता है ये वाटर डैमेज की वजह से ही आता है ज़्यादातर। तो ये चीज़ तीन चीज़ आप चेक कर लेंगे तो ये लगभग में सही हो जाता है। और अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो फिर वही आप सारी आईसीयू को हीट करेंगे और फिर जो है वही काम होगा नहीं, और नहीं तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये आई स्कैन करना चाहिए क्योंकि आई स्कैन जो है बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि आई स्कैन से जो है अक्सर जो है फॉल्ट जो है मिल जाता है। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो हम बारीक से देखते हैं तो हमको पता चल जाता है ये जो है यही फॉल्ट है। तो जो हम थोड़ा सा आईसी को भी क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर जो है इसको रिसोल्व करके उसके बाद लगा देंगे हम इसको। ये देखिए इस काम को करने के लिए थोड़ा सा बारीकी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है बहुत ही बारीक होता है और ये वाटर चला जाता है तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें वाटर डैमेज हुआ है, क्योंकि इतने छोटे में आप ध्यान नहीं देते हो और फिर जो है प्रॉब्लम जो है समझ में नहीं आता है। तो कभी भी काम करें तो इस चीज़ों को ध्यान दें। चलिए अब जो हम इसको लगाएंगे
लगाते समय, इसका निकालते समय ही इसको, इसका जो डॉट होता है वो सबसे मेन चीज़ होता है, डॉट देखना ज़रूरी होता है क्योंकि उल्टा ये नहीं लगना चाहिए। तो एक बार डॉट देख करके ही निकालें। और यहाँ एक कैपेसिटर थोड़ा सा हमको जंक लगा हुआ ख़राब दिख रहा था, इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसके वजह से ही हमको लग रहा कि वहाँ रीडिंग कम आ रहा था। अब जो है हम एक बार जो है रीडिंग भी चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट तो नहीं हुआ कहीं। ये जो मोटा प्रोड है इसके वजह से जो है शॉर्ट बता रहा हूँ वहाँ पर। तो लाइन तो सही है, अब देखते हैं जो है लगा के क्या होता है, नेटवर्क आता है या नहीं आता है। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप बारीकी से देखते हैं तो लगभग में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो दिखता है। अगर आप ऐसे ही अंदाज से हीटिंग करेंगे फिर तो सेट और ख़राब हो जाएगा। और कभी भी जो है बनाते समय ज़्यादातर आप जो है आइसक्रीम का प्रयोग करें। आइसक्रीम से क्या होता है कि आपका जो अगर वाटर डैमेज होगा तो वो दिखेगा, तो आप कहीं और हीट नहीं करेंगे। अब वैसे आप अगर अंदाज से काम करेंगे तो फिर हीट कर देंगे तो और भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए चालू होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं नेटवर्क आता है या नहीं आता है। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन मैं जो है कट पीट करके नहीं बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ आपके सामने बनाता हूँ। और आप एक बार देख लेंगे तो हो सकता है रिपेयर भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ जियो भी लिखा हुआ आ गया और आपको दिखा दें। इसमें चार्जर लगा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जियो लिखा हुआ आ गया और नेटवर्क मेरा आ गया। अभी नेटवर्क लो है, तो नेटवर्क लो इसलिए है कि यहाँ पर जो है मैं इसका एंटीना नहीं लगाया हूँ, बैक कवर नहीं लगाया, इसके लिए नेटवर्क जो है लो है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।